तो दोस्तों, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। जो हर मुश्किल और तकलीफ को झेल जाते हैं, वही इंसान सही मायने में कामयाब कहलाते हैं। सो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेंगलोर शहर के एक कामयाब इंसान के फार्म हाउस अल्बैक गुड फार्म की सैर कराऊंगा। अल्बैक फार्म हाउस बेंगलोर शहर का मशहूर फार्म है, मगर इस फार्म हाउस के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। मगर मेरी मानना है कि अल्बैक फार्म हाउस की धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अल्बैक फार्म हाउस के बकरे, क्वालिटी के बकरे, जो दुनिया में किसी फार्म हाउस पे आपको नज़र नहीं आएंगे। सो आइए और हम आज दिखाते हैं आपको अल्बैक फार्म हाउस। कुदरत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, देखो यहाँ लिखा अल्लाह का नाम है। अल्बैक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुरु की शान है। कुदरत का करिश्मा, यहाँ वो हुजूर के बकरे हैं जिनकी कुर्बानी प्यारी है, जिनकी कुर्बानी प्यारी है। हर नस्ल यहाँ पर मिलती है, पंजाबी राजस्थानी है, पंजाबी राजस्थानी है। बयां की कर शब्दों में, इसलिए ही अल्बैक नाम है। अल्बैक फार्म हाउस के बकरे बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस के बकरे बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस के बकरे बेंगलुरु की शान है। कुदरत का करिश्मा, देखो यहाँ लिखा अल्लाह का नाम है। अल्बैक फार्म हाउस के बकरे बेंगलुरु की शान है। अल्बैक फार्म हाउस के बकरे बेंगलुरु की शान है। तो दोस्तों, ऐसे जानदार, तंदुरुस्त और तवाना बकरे सिर्फ और सिर्फ अल्बैक फार्म हाउस में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने हिंदुस्तान के हजारों फार्म हाउस के वीडियो उतारे हैं, मगर मैंने अल्बैक फार्म हाउस के बकरे जैसे बकरे आज तक नहीं देखे। आप भी देखिए और इस बात को मान लीजिए, अल्बैक फार्म हाउस के बकरों का है ये जखीरा, यहाँ का हर बकरा है हीरा। मैं दोस्तों आपसे वापस कहना चाहता हूँ कि अल्बैक बकरों का है जखीरा, यहाँ का हर बकरा है हीरा। यहाँ पर आपको राजस्थान के सोजत भी मिलेंगे, तो पंजाब का बकरा भी मिलेगा, हैदराबादी भी मिलेंगे। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के बकरे आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे, और वो भी तंदुरुस्त और मोटे ताज़े। सो दोस्तों, अल्बैक बनता है अपने रियल हीरोज से। ये पूरी सीरीज में आपको हम लोग मुलाकात कराएंगे अल्बैक के रियल हीरोज से। इस वक्त हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अल्बैक फार्म हाउस को बनाया है, जिन्होंने अपने शौक और जुस्तजू से अल्बैक फार्म हाउस को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर किया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आसिम भाई? अल्लाह का शुक्र है। सो दोस्तों, हम लोग आज अल्बैक गोट फार्म पे बहुत ही एक अच्छा इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में है नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ में है इनाम भाई। और दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर से। जनाब, मैंने आप लोगों का फार्म देखा, माशाल्लाह क्वालिटी के साथ साथ इतने बड़े बकरे इतनी क्वान्टिटी में मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में देखा।
तो मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे बकरे मुझे देखने के मौका मिला आज। सो कुछ क्वेश्चन से मैं आपका शुरुआत करता हूँ। एंड ये पहला क्वेश्चन है कि ये जो बड़े बकरों का या इन जनरल बकरों का शौक आप लोगों को कैसे और कब स्टार्ट हुआ? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आशिक भाई, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ये शौक हमारे दिल में डाला। ये शौक तो बचपन से है आशिक भाई, अभी शौक जैसे जैसे वक्त गुजरा शौक भी बढ़ता गया, अल्लाह ताला इसमें खैर और बरकत दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे लाके खड़ा है। इतने हैवी बकरे एक जगह पे रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये हमारे पूरे इंडिया को प्राउड करता है माशाल्लाह। सिर्फ आपके फार्म को नहीं, आपके बेंगलोर को नहीं, कर्नाटक को नहीं, पूरे इंडिया को आज बहुत प्राउड फील होता है ये देखकर। एक छत के नीचे, जैसे मैं बोलता हूँ, दिस इज द हाउस ऑफ द बिगेस्ट गोट्स इन इंडिया माशाल्लाह। इतने बड़े बकरे आप लोग रखते हो तो आप इन्हें खाना क्या खिलाते हैं, थोड़ा आप लोग प्लीज बताइए मुझे। सिम भाई, इसमें कुछ छुपाने का नहीं है, वही जो खुराक जो बकरों को देते हैं जिसमें दूध है, चना है, मक्का है, और हमारे पास जंगल बहुत है तो हर रकम का पत्ता मिलता है, जैसा बड़ का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, जो पत्ता मिल गया और दो चार रकम के फनस का पत्ता है, तो ये सब चीज़ हम खिलाते हैं मतलब। बकरे तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग पालते हैं एंड हर तरीके के बकरे आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीड पे तवज्जो है आप लोगों की, जैसे दूध हो गया, मस्का, तेल, घी, क्या ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं? ये मेन हमारे उसका प्लान करते हैं, जो डाइट में जाना है क्या क्या जाना है सारी, तो वही प्लानिंग से वही हिसाब से जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। जी, मैंने आपके फार्म हाउस में देखा कि आदमी बकरों को खाना खिला रहे हैं जी, ये बकरे खुद नहीं खाते हैं क्या? ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से। बकरे खुद खाते हैं, मगर बकरे को जितना खिलाना है उतना कंप्लीट करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देख चुके कि बकरे की इतनी खुराक होनी चाहिए, हाँ। अगर वो अंडर खा रहा है तो बाकी का आप लोग जी खिलाते हैं उनको? खिलाते हैं। सो दोस्तों, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि फोर्स फीडिंग होती है, भराई होती है, ये अलग ही टेक्निक है कि बकरा खुद से जितना खाए खाए, बाकी उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ वो कम खाया उसको एक्स्ट्रा खिलाना। अभी घर में भी बच्चा खाता है जी, खुद से कितना खाता है फिर माँ उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट देती है, बस उतना ही काम हम करते हैं। अगर दूध नहीं पीता है तो बॉर्नविटा मिला के पिलाते हैं, कभी कॉम्प्लान, और चॉकलेट फ्लेवर भी आ गया आजकल सब चीज़। तो क्या आप लोग भी चॉकलेट्स वगैरह सब खिलाते हो बकरों को? बकरों के लैंग्वेज में चॉकलेट क्या कहते हैं बकरे को ही पूछना पड़ेगा। वी गिव व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इन बकरों की देखभाल के लिए कितने आदमी आपने यहाँ रखे हुए हैं? हमारा चलता है आशिम भाई, पांच बकरों पे एक आदमी की मेहनत चलती है, तो इस हिसाब से काम चलता है हमारा। अभी लगभग है हमारे पास 300-350 बकरे फार्म पे, और मेहनत होती है एकदम एक्स्ट्रा मेहनत 100-125 बकरों के, तो उतने आदमी पांच आदमी, हर एक आदमी पांच बकरों को संभाल लेंगे, तो इस हिसाब से चलती है कोशिश। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टाफ गोट भी, स्टाफ फार्म भी बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 लोग तो है इधर स्टाफ, बहुत बड़ा स्टाफ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बकरे बेचने की बात करूं तो आपके जो खरीदार है ऑल ओवर इंडिया से होते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से होता है। और फॉरेनर्स की बात करूं तो फॉरेन से भी फ़ोन वगैरह या दुबई सऊदी से भी कॉल वगैरह आते हैं हमारे को, बाहर से भी आते हैं, पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हो खुराक में, कैसे कर पा रहे हो, ये फ़ायदा कितना है इसमें, ये सब पूछते हैं, जो बनता है जवाब हम उसको भी आंसर दें। एक दो बकरे पालने में भी हमको कभी कभी बहुत तकलीफ़ें आती हैं, इतना बड़ा फार्म हाउस चालू करने में, इसको मेंटेन करने में आपको भी बहुत तकलीफ़ें आई होंगी, क्या आप कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे? मेन चैलेंज वो लेबर पार्ट, लेबर का चैलेंज था, बट एज वी ग्रो ना वी गेट मैच्योर इन ऑल दिस, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वक्त गुजरता गया हम खुद वी वर मैच्योरिंग एंड वी वर गेटिंग अ टास्क क्लोज। मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट ब्रीड ऑफ गोट कौन सी है, आप जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं? देखिए पहले ज़्यादातर, अभी इस सवाल अच्छा है, इसका आंसर मैं ऐसा दूंगा, जितना आप बकरों से मालूम करेंगे, जैसा व्हाट मतलब आप कौन से बकरे पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। पहले हम बैंगलोर में सिर्फ हैदराबादी गोट्स पे काम कर रहे थे, वी वर थिंकिंग दैट हैदराबादी वाज़ द मैच, फिर अल्लाह का शुक्र है बॉम्बे के कुछ साथी लोग आए, उन्होंने आके बकरे बताए कि हम देख के ये बकरे शायद इधर भी मिलते हैं, तो वी गॉट इन टच विद पंजाबी गोट्स, एंड आफ्टर पंजाबी गोट्स अगेन
Allah gave us a chance working with Sojat than with Ajmera. So I prefer at this date Ajmera and Sojat is number one. Going forward, what is your plans? Continue. The same thing. Same what we are doing. We'll try to do even more better. We'll enhance it even more better. आपकी जो स्टोरी थी ना स्टार्टिंग से अभी तक की वो सुन के ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. दैट इज द ट्रुथ. है ना, खाता क्या है बकरा, कौन सी नस्ल, ये सारी एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है. यू नीड, यू हैव टू ग्रो अलोंग विद द टाइम. यानी कि आज इमेजिन करो कल आपको मिल जाए, नहीं. यू शुड हैव दैट पेशेंस. यू हैव टू ग्रो. समझना है जैसा एक इंसान बच्चा बढ़ता है ना, बकरे का भी वही है. टाइम इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट. आपको सबर से जाना है. मैं ये बात ब्रीडिंग सेटअप में हमेशा सुनता था, आज आपसे भी सीखने मिला. बकरों को एक्स्ट्रा हैवी वेट के लिए भी सबर इज काफ़ी इम्पोर्टेंट. सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. जी आशिम भाई, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया. अल्लाह का शुक्र है. अल्हम्दुलिल्लाह. आई बीन एवरीवेयर इन इंडिया, लाइक टू मैनी फार्म, जंगल, ग्रेजिंग. I think this is one of the best experience. One Thank of the you. best experience. Alhamdulillah. Which I had. Allah ka shukar ada. Allah nazar par se bacha hai. Aur Allah like aap logo ko bhi aur aapke farm ko bahut aage badhaye inshaAllah. Amin. Allah sabki mehnat hai isme Asim bhai. Ye nahi ki sirf hamara hai. Chote se chote aadmi jo contribute kiye hai na is farm ko jo ye maqam mein aaye hain. I thank each and everybody. जान से बकरे खरीदे हमने, उन लोगों का भी शुक्रगुजार है जो बकरे वो सोच के दिए कि ये पाल सकते हैं. You not just one person who can the take the this entire team. और उसके बाद पूरा अल्लाह का यह है, अल्लाह ताला हमने इस मकाम पे दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. And आपके जो काम करने वाले लोग हैं, those are the real heroes of Allah. Yes, yes. It's a complete teamwork. Yeah. Without team, you cannot come over this. Yeah, kamyabi. तो सुना आप लोगों ने, कितनी मेहनत और मुश्किलात से गुजरने के बाद इन्होंने अलबैक को इतना मशहूर बनाया और इतना ऊंचा मुकाम दिलाया, इतनी तरक्की हासिल की. ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है. सही समय कभी नहीं आता, बस मेहनत से समय को आसान बनाना पड़ता है. दोस्तों, इनकी इस मेहनत और लगन को मैं सलाम करता हूँ. इस एपिसोड में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ. खुदा हाफ़िज़. कुदरत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, देखो यहाँ लिखा अल्लाह का नाम है. अल्बिक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुर की शान है. अल्बिक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुर की शान है. अल्बिक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुर की शान है. अल्बिक फार्म हाउस की बकरी बेंगलुर की शान है.